हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या हैशटैग शिवी। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, इसमें हम लोग 9 देखते हैं। अ ग्रैंड मदर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज आल्सो 15 ईयर ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो जो हमें निकालना था उसे हम लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर, ओके, और जो ग्रैंड मदर की एज है देन दी ग्रैंड मदर एज। ग्रैंड मदर की एज क्या है? 10x ईयर, उससे 10 साल बड़ी हैं तो 10x हो जाएगा। और उसके बाद ऑल्सो उसकी ग्रैंड फादर की भी एज है, ऑल्सो दी ग्रैंड फादर एज। सॉरी, यहाँ ग्रैंड मदर नहीं, फादर की बात हुई है, ग्रैंड मदर की बात नहीं हो रही, ग्रैंड फादर की बात हो रही है क्वेश्चन में। एंड एक्स प्लस 54 ईयर्स, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें? 10x इक्वल टू एक्स प्लस 54, ओके। अब हम निकाल देते हैं, इसे इक्वेशन सॉल्व हो गई। इक्वेशन जहाँ आपको मिल गई है, क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो गया। ये x इधर प्लस में था, इक्वल के इधर आया माइनस में हो गया, इधर आ गया 9x इक्वल टू 54, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 9 6 54, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लोग उसके उसमें इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो ग्रैंड डॉटर की जो एज होगी वो एक्स थी, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसकी ईयर कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी निकालनी थी, 6 ईयर हो जाएगी। और ग्रैंड फादर की अब निकालनी है, ग्रैंड फादर की एज इक्वल टू हो जाएगा 10x, तो 10 × 6 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया, इस तरह हमें निकालना था वो। इसके बाद हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो उनकी हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो लेट अमन सन प्रेजेंट एज, अमन सन का प्रेजेंट एज कर लेते हैं हम एक्स ईयर। फिर क्या करना है, देन कर लेते हैं हम लोग अमन की प्रेजेंट एज कर लेते हैं, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x ईयर, तीन साल बड़े हैं अमन, अमन का बेटा एक्स ईयर, उसकी अमन है 3 ईयर्स। फिर 10 ईयर्स अगो बोल दिया यहाँ पे, ठीक, 10 ईयर्स अगो सन की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 10। अगर लेटर बोला होता 10 ईयर लेटर तो प्लस हो जाता, अगो बोला है तो माइनस हो जाएगी। और अमन की एज कितना हो जाएगी, 3x माइनस 10, ठीक, ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 5x माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 10, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, 5x ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, ये माइनस 10 और ये माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना है। तो ये 2x इक्वल टू ये 40 आ जाएगा, ये प्लस की साइन ग्रेटर है इसलिए लगा प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40/2, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो अमन की एज निकाल देते हैं, अमन सन प्रेजेंट एज, तो हो जाएगा एक्स ईयर, सो एक्स की वैल्यू आ गई 20 ईयर। और अमन की प्रेजेंट एज निकाल देते हैं, एज हो जाएगी 3x
तो 3 × 20 इज इक्वल टू 60। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 10.2.3। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.4। तब तक के लिए थैंक यू।